गुड आफ्टरनून एवरीबडी माई नेम इज़ मनप्रीत कौर एंड आई एम फ्रॉम विलेज शाहपुर थेड़ी इन डिस्ट्रिक्ट संगरूर फ्रॉम पंजाब बिफोर प्रोसीडिंग फर्स्टली आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड स्पीकर बट इट्स माई प्रॉमिस कि मैं जो बोलूँगी वो दिल से बोलूँगी मैं पंजाब के एक ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे सपने देखने से पहले सौ सो बार सोचना पड़ता है बट नेवर डू दैट नेवर पुट द लिमिट्स ऑन योर ड्रीम्स कीप ड्रीमिंग Because these dreams become reality when you put your minds and efforts into it. It takes courage to become who you really are and be always a productive youth of the nation. Because a nation without productive youth is a nation without hope, and a nation without hope is a nation without future. Mm -hmm. So if I talk about myself, my MSC in human genetics Punjabi University Patiala complete ki or ड्यूरिंग माई एम एस सी इन फर्स्ट सेमेस्टर समथिंग हैपन टू मी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया तो वो दिन था ट्वेल्व अक्टूबर टू थाउजेंड थर्टीन सो एट दैट डे आई वॉज किडनेप्ड बाई एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर नॉट ओनली किडनेप ही स्टैप्ड विद स्क्रू ड्राइवर नंबर ऑफ टाइम मल्टीपल्स टाइम तो मैंने ऑटो हायर किया और मुझे नहीं पता था कि वो ऑटो वाला एक सीरियल किलर है और वो किडनेपर है जो मेरा कुछ दिनों से प्लान कर रहा था तो जब सुनसान जगह पे जाके ऑटो रुक गया तो आई क्वेश्चन तो कि वो किसी का वेट कर रहा है जो उसी ऑटो में आने वाले हैं तो आई आई वॉज ओके एट दैट टाइम तो अचानक से क्या हुआ एक स्क्रू ड्राइवर यस स्क्रू ड्राइवर एक पेचकस मेरे सिर पे पीछे से आके लगा तो बहुत ब्लड आया जैसे टैप में से वाटर आता है ऐसे एकदम से ब्लड आना शुरू हो गया और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ तो इतने में ही मैंने मैं समझ ही पा रही थी कितने में वो आगे से आया मेरे बालों के साथ मुझे ड्रैग किया और ऑटो से नीचे फेंका और देन उसने अपना नेक्स्ट पेचकस मेरे पेट में मारा तो ऐसे ही करते करते तीन चार ऐसे पेचकस सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर मेरी मारे गए जो बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी में अंदर तक गए तो शॉक में थी लेकिन एंड में मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि मुझे इससे फाइट बैक करना है देखो जब ऐसी सिचुएशन आती है एक तो होता है कि इंसान थोड़ा डर जाता है पर डर को कभी खुद पे हावी मत होने देना क्योंकि उस डर से हमें जीतना है उस टाइम पे ये सोचना है कि चलो ठीक है आज तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है वो बिना किसी गलती से हो रहा है तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुम्हें ये मारा जा रहा है ठीक है लेकिन कुछ ऐसा करो कि कल को कोई ऐसा इंसान उठ के ना आए जो दोबारा किसी और के साथ ऐसा कर सके तो मैंने उस टाइम पे फैसला किया कि मैं अपने एंड सांस तक उससे फाइट बैक करूंगी तो मैंने उसको भी उसकी गर्दन से पकड़ा अपने नेल्स के साथ है ना उसको जितना हो सके मैं प्रॉपर उसका सामना कर रही थी लेकिन उसके पास एक शार्प एंडेड स्क्रू ड्राइवर था उसने मेरे राइट साइड लंग्स पे इतने जोर से हिट किया कि मेरे राइट साइड के जो लंग्स थे वो पंचर हो गए और मेरे ट्रैक का जो विंड पाइप है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो उस टाइम पे मेरा रिप्लाई उसको गया कि मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तो बोल रही थी मैं और वो मैं अपनी एक्शंस में कर भी रही थी पूरा खुद को बचा रही थी उसने मुझे बोला कि ना तो मैं तेरी आंखें रहने दूंगा ना मैं तेरी आवाज रहने दूंगा है ना कि तू किसी को क्या बताएगी तू पुलिस को बताना चाहती है तेरे को मैं बताने लायक छोड़ूंगा ही नहीं तो उसने जब मेरी आईज पे अटैक किया है ना तो मैंने एकदम से हाथ रख लिया तो उसको और गुस्सा आया क्योंकि ऐसे जो किलर्स होते हैं हैं तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं। जब कोई सामने वाला आप इनका जब सामना करोगे तो इनमें गुस्सा और आ जाएगा तो वो अग्रेसिव हो रहा था और ज्यादा तो मैंने उसके थप्पड़ मार दिया तो उसको और गुस्सा आया उसने मेरे पेट में फिर हिट किया और उसके बाद उसने मेरे हेड में पेचकस मारना स्टार्ट किया और अगर मैं काउंट की बात करूं तो नियर अबाउट फोर्टीन टू फिफ्टीन स्क्रू ड्राइवर उसने मेरी बॉडी में ऐसे मारे जो मेरी बॉडी को नियरली आर पार जैसे मतलब काफ़ी अंदर तक गए और अगर आप मैं बताऊं फोर्टी टू फिफ्टी फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी इतने ऐसे स्क्रू ड्राइवर थे जो मेरी बॉडी पे अभी भी मार्क्स हैं एक इंच अंदर दो इंच अंदर मतलब वो पूरे जोर से हिट कर रहा था ठीक है और मैं उसका सामना कर रही थी एंड में मैंने क्या किया मैंने अपनी पेंसिल हिल पहनी हुई थी मैंने पेंसिल हिल से ना उसके पेट पे हिट किया तो क्या हुआ उस टाइम उसके पेट से भी ब्लड आ गया तो मुझे पता चल रहा था कि मैं सामना कर पा रही हूं पर वो इतना मार रहा था उसने मेरे मुंह में स्क्रू ड्राइवर डाला और ऐसे हिट किया जिसकी वजह से मेरा थ्रोट का ये वाला पोर्शन काफी ज्यादा डैमेज हो गया जब उसको लगा कि ये अब खत्म हो चुकी है या पांच दस मिनट लगेंगे पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ये लड़की अब किसी को बता नहीं पाएगी कुछ क्योंकि शायद ये जब तक इसको उठाया जाएगा ये मरमूर जाएगी पर नहीं ऐसा नहीं हुआ वो चला गया मुझे वहीं छोड़ के मैंने उस टाइम पे यह सोचा कि मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकती लाइफ में सबसे बड़ी बात है सिचुएशन चाहे जो भी हो आपने ना कभी गिव अप नहीं करना तो मैंने ये फैसला किया मैं क्रॉल करूंगी मैंने क्रॉल करके वहां से जाना शुरू किया और आई क्रॉल्ड अप्रॉक्सीमेट वन एंड हाफ एंड किलोमीटर तो मैं इतना किलोमीटर क्रॉल करके गई हूँ पुलिस को मेरे ब्लड के जो है निशान मेरी वो टूटे टूटी सैंडल्स पेंसिल सब कुछ वहाँ पे मिला और वहाँ पे किसी ने मुझे देखा उन्होंने मुझे उठाया हॉस्पिटल में पहुँचाया और हॉस्पिटल में जाके पता चला कि ये लड़की अब शायद आफ्टर ऑपरेशन है ना क्योंकि इसके राइट साइड लंग्स डैमेज हैं इसके ब्रेन पे काफ़ी ज्यादा सिर पे चोट आ चुकी है क्योंकि नीयर अबाउट टेन टू ट्वेल्व का उसने मेरे सिर ही हिट किए थे तो उनको नहीं पता था ये बच पाएगी लेकिन मेरे को मेरी विल पावर मेरे अंदर का जो था ना वो चीज़ मेरे को ये बोल रही थी कि मन पे तुझे कुछ भी नहीं होगा तो क्या हुआ हॉस्पिटल्स में मेरे ऑपरेशन स्टार्ट हुए ऑपरेशंस के बाद मैं ठीक थी और मैं रात तक जब मेरे को मेरे पेरेंट्स ने देखा या मेरे को जो लोग मिल रहे थे या पुलिस वाले मिल रहे थे वो मेरे को इस नज़र से देख रहे थे कि यार पता नहीं क्या हुआ और मैं कह रही थी कि सब बातें छोड़ो उस बंदे को पकड़ना है मैं स्केच बनवाऊंगी तो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे कि ये स्केच बनवा सकती है या नहीं बनवा सकती तो नेक्स्ट डे जो हमारे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पहले पंजाब के सीएम थे उनकी जो वाइफ प्रनीत कौर जी जब वो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली तो उन्होंने मेरे को बोला कि यू आर द ब्रेव हार्ट ऑफ पटियाला तो मैंने बोला मैम मेरे लिए बस इतना करो आई कैन मेक स्केच मैं उस इंसान का स्केच बनवा सकती हूँ क्योंकि हमने उसको पकड़ना है मैं आपका साथ दूंगी क्योंकि मेरे साथ उसने कर दिया बट मैं नहीं चाहती कल को आने वाले टाइम में कोई और लड़की इसी शहर में या इंडिया के किसी भी जगह पे इस सिचुएशन में आए तो स्केच बना उस स्केच की जैसे तीन लोग पकड़े गए और उन तीन लोगों को जो मेरे सामने लाया गया मैंने क्लियरली बोल दिया उनकी शक्ल सेम लग रही थी थोड़ी कि वो जो इंसान है ना उसके पेट पे एक जख्म होगा क्योंकि मैंने उसको ना पेंसिल हील भी मारी थी उसके यहाँ पे मेरे नाखूनों के भी निशान होंगे तो उनकी जब टी शर्ट रिमूव की गई तो वो पता चल गया कि वो कौन है और वो सुबह तक मान भी गया इवन वो आफ्टर थ्री फोर डेज हॉस्पिटल में भी आया पुलिस के साथ मुझे सॉरी बोलने के लिए फिर केस स्टार्ट हुआ केस स्टार्ट होता है जो वो एक बींग गर्ल केस लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको बहुत सारी धमकियां आती हैं आपको मेरे को पांच लाख ऑफर कर दिया कि केस वापिस ले लो है ना तो मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी जो लड़ाई थी ना वो उस चीज से थी कि मैंने इस चीज़ से लड़ना है कल को मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस हालात में कोई और आए तो मैंने केस पूरा लड़ा और एंड में उसको उम्र कैद हो गई एंड मेरे को फिर डिस्ट्रिक्ट ब्रेवरी अवार्ड मिला 2015 में एंड देन मेरे को स्टेट ब्रेवरी अवार्ड मिला देन डॉटर ऑफ पंजाब मिला देन 2021 में मेरे को मिनोरिटी कमीशन ऑफ इंडिया से ब्रेवरी अवार्ड मिला नेशनल न्यू दिल्ली में और अभी रिसेंटली मैं एम टी वी रोडीज करमिया कांड सीजन 19 करके आई हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो आप फेस कर लोगे बट आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए तो मेरी लाइफ के ना कुछ रूल्स हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ तो मैं वही पॉइंट्स हाँ आज आप सब लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी तो फर्स्ट है बी ऑप्टिमिस्टिक ये बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन ये बहुत अच्छी तरह वर्क करता है तो आप कैसी भी सिचुएशन में हो ठीक है ऑप्टिमिस्टिक एक ऐसा फेथ है जो आपको अचीवमेंट की तरफ लेके जाएगा तो हमेशा अपने मन में ये नहीं सोचना मुझसे नहीं होगा हमेशा सोचना है कि मैं कर लूंगा चाहे वो कुछ भी हो बड़ा हो छोटा हो सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं नो डाउट सबकी लाइफ है सबकी लाइफ में ना कंडी आती है ऐसी सिचुएशन है ना कि हमें बहुत फील होता है कि यार मैं क्या करूँ कि शायद ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है पर ये सबके साथ होता है कुछ ना कुछ बस उस टाइम पे आपने अपना जो एटीट्यूड है ना उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना है कि क्योंकि अगर आपने वो उस चीज को कंट्रोल कर लिया ना अपने मन को तो आप सब चीजों से निकल सकते हो हमेशा कोई भी काम कर रहे हो कोई भी एग्जाम दे रहे हो या किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा अपना जो एटीट्यूड है वो उस अपने मन में एक होप रखनी है ठीक है एक पॉजिटिव ओरा आपके पास होना चाहिए क्योंकि यही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा एंड जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डीलिंग विद योर फेलियर्स हाउ यू डील विद योर फेलियर्स ठीक है मतलब लाइफ में फेल हर कोई होता है और फेल होना कोई बुरी बात नहीं है मुझे लगता है कि फेल वही होता है जो कुछ ना कुछ कर रहा है क्योंकि अगर कोई कुछ ट्राई ही नहीं कर रहा वो तो शायद फेल ही नहीं होगा किसी चीज में तो फेलियर्स आते हैं मेरी लाइफ में भी आए है ना मतलब लोगों ने ये चीज सोचा जैसे मैं अभी रियलिटी शो करके आई हूँ तो जब मैं अपने गाँव में भी थी तो लोग सोच थे कि यार गांव वाले बंदे कहाँ मुंबई में जाके तुम सोनू सूद के साथ रियलिटी शो करने का सपना देख रही हो है ना तो ऐसा नहीं होता आप एक बार फेल हो जाओगे आप दो बार फेल हो जाओगे तीन बार लेकिन एक दिन आएगा कि आप उस चीज में कामयाब हो जाओगे बस दिक्कत क्या आती है जब आप लोग फेल होते हो तो आप लोग क्या होते हैं कि मोस्टली बहुत सारे लोग ना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूं है ना ये तो मैं फेल हो गया आपने आप उसको टेन फिफ्टीन डेज उसी टेंशन में हम लोग वेस्ट कर देते हैं तो हमने वो चीज नहीं करनी हमने उसी टाइम पे हमने एक दो दिन लगाने हैं टेंशन के लिए नहीं डिप्रेशन में नहीं हमने एक दो दिनों में बस एक कॉपी पेन उठाना है और लिस्ट बनानी है कि मैं फेल क्यों हुई क्या मेरी गलतियां रही ताकि जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट करूं तो मैं वो गलतियों को रिपीट ना करूं है ना आपने हमेशा अपने नेशन को अपने कंट्री को प्राउड फील करवाना है और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा करना है कि कल को सारे बोले कि हाँ भी ये हमारे यूनिवर्सिटी से ये हमारे कंट्री से हमारे नेशन से ये बंदा बिलोंग करता है ठीक है और नेक्स्ट है सेल्फ बिलीफ वो भी इन्हीं के साथ ही रिलेट करता है आपके अंदर का विश्वास है ना आपको अगर खुद पे विश्वास है तो यू कैन डू एवरी थिंग यू कैन हैंडल एवरी सिचुएशन अगर आपके अंदर वो विश्वास ही कम है ना तो आप ऊपर ऊपर से जितना मर्जी बोले जो आप नहीं कर पाओगे और मेरे को लगता है कि जो मोटिवेशन आपके अंदर है आपके इनर मोटिवेशन वो आपको बहुत बूस्ट करती है मैंने ये चीज़ देखी है क्योंकि पहले ऐसा होता था, था कि हम लोग भी मैं भी बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें सुन लेती थी देख लेती थी ठीक है लेकिन ना वो मोटिवेशन मेरे अंदर मैंने जितना मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो मोटिवेशन थोड़ा टाइम के लिए वर्क करती थी आफ्टर टू डेज थ्री डेज उसके बाद ना मैं सेम वैसी हो जाती थी जैसे मैं पहले थी फिर मैंने सोचा कि अपने आप को अंदर से जब तक मैं वो स्ट्रांग नहीं करूंगी ना तो मैं नहीं कर सकती है ना बाहर की मोटिवेशन और एक आपका अंदर का जो सेल्फ बिलीफ है आपके अंदर की मोटिवेशन इन चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं ये मैं ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ प्रॉब्लम्स का आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और उनसे निकलना इज आर्ट ऑफ लाइफ तो आपको उनको डील करना है और हमेशा पॉजिटिव ओरा के साथ रहना है विद ऑल दीज थैंक यू सो मच